दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के बारे में। इस योजना के तहत हर महिला को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एक गैस कनेक्शन मिलता है। अगर तो किस तरीके से जो है गैस कनेक्शन मिलता है और किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी पूरी जानकारी। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो वीडियो में एंड तक बने रहे। साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने के लिए आपको सिंपली उज्ज्वला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में खोल लेनी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वेबसाइट कुछ इस तरीके की खुलेगी। यहाँ पर जो है आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला योजना 2.0। इस वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे टच करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है एक नया पेज खुल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला कनेक्शन। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम जो है थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते हैं। एप्लीकेंट यानी कि एप्लीकेंट जिसके नाम से अप्लाई करना है वो जो है वुमेन ओनली यानी कि महिला के नाम से सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं और उसकी उम्र जो है 18+ होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है घर में दूसरा कोई भी LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सिंगल कनेक्शन उन्हीं के नाम पर अप्लाई होगा और कोई दूसरा कनेक्शन होगा तो नहीं अप्लाई हो सकेगा। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, आपको आधार कार्ड और आपका बैंक का पासबुक। तो ये जो चीज़ है वो मैंडेटरी है। उसके नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। एप्लीकेशन जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर के उस पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एप्लीकेंट में अप्लाई टू एनी डिस्ट्रीब्यूटर टू हर चॉइस, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, आपके सामने जो है यहाँ पर ऑप्शंस खुल जाएंगे। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तीन कंपनियाँ हम जो है सिलेंडर प्रोवाइड करती है, तो सबसे पहला भारत इंडियन HP। तो आप अगर HP का अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपके घर के नियर बाय होगा वो अप्लाई करेंगे। HP पे क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करते एक नया इंटरफेस खुल चुका है। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन उज्ज्वला। तो उज्ज्वला कनेक्शन बेनिफिशियरी कनेक्शन वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है। आई एक्सेप्ट डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। और जैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे जो है आपको डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो नेम वाइज आप ना सर्च करके लोकेशन वाइज सर्च कर लें, जिससे कि आपके घर के नियर बाय कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसका एड्रेस वगैरह डिटेल वगैरह निकल जाएगी। सबसे पहले यहाँ से आपको आपका राज्य सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका राज्य होगा। लिस्ट में भारत के सभी राज्य हैं। राज्य सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको जो भी आपका राज्य होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे आ जाएंगे। तो जो आपको चाहिए, जो आपके घर के नियर बाय आसपास हो, वो सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप उस पर सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है उसका कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल वगैरह शो हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर का। यहाँ पर जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे और यहाँ पर डिटेल आ जाती है कि कहाँ पर से है। तो फिर आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके सामने कंसेंट पूछा जा रहा है EKYC। तो हम जो है EKYC के द्वारा फॉर्म भरेंगे तो डिटेल्स कम भरनी पड़ेगी, यानी कि डिटेल बहुत कम ही भरनी पड़ती है। तो आई गिव कंसेंट वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट टिक करना है हमें, टिक द बिलो चेक बॉक्स इफ प्रेजेंट एड्रेस सेम, आने के आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है, यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है दोस्तों आपसे आधार नंबर मांग रहा है, और आधार नंबर यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल कर देना है, और ये जो कैप्चा कोड है ये इसमें फिल करके जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। जनरेट OTP पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका जो है आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। OTP रिसीव्ड ऑन मोबाइल नंबर, इस पर आपको सिंपली यहाँ पर OTP जो है वो आपको फिल करना है, और जो कैप्चा कोड है दोबारा से ऊपर की तरफ फिल करके गेट डाटा फ्रॉम UIDAI वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप रेड कलर में, इस पर क्लिक कर देना है। चलिए हम फिल कर देते हैं। OTP फिल करके कैप्चा फिल करके गेट डाटा फ्रॉम DAI पे क्लिक कर देना है UIDAI। जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं, हमारा डाटा जो है आधार कार्ड से फैच हो जाता है। ऑटोमेटिक जो है फॉर्म में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह फिल हो जाता है, हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा वेट कर लेना, आपको थोड़ा सा घूमेगा, ब्राउज होएगा, उसके बाद जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर इस तरीके से आपके आधार कार्ड से सारी डिटेल आ जाएगी, आपकी फ़ोटो भी आ जाएगी। आपको फिर बाद में डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो,
सब कुछ ए टू जेड डिटेल यहाँ पर आपकी आ जाएगी आपके आधार नंबर से। उसके बाद दोस्तों हल्का सा नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे जो है यहाँ पर जो है आपको फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और सेलेक्ट कास्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको फुल नेम वाले में नाम फिल कर देना है। मिस्टर मिस में मिस जो है वो फीमेल के लिए हम इस अप्लाई करें तो मिस सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है हमें कास्ट सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर जितने भी रेड स्टार में बॉक्स होंगे दोस्तों वो आपको कंप्लीट फिल करने होंगे। तो यहाँ पर जो है नाम फिल करने का सेलेक्ट करने का हमें कास्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ स्टेट वाला कॉलम जो है वो फिल रहता है उसके मतलब एड्रेस वाला, वहाँ पर सिर्फ आपको मोबाइल नंबर और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेंगे। तो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और आपका एक एक्टिवेटेड नंबर जो भी होगा वो यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों पर्टिकुलर ऑफ बैंक अकाउंट प्रूफ। अब यहाँ पर जो है आधार कार्ड का नंबर शो हो रहा है आपका। अब यहाँ पर जो है आपको बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है। तो बैंक अकाउंट की डिटेल डालने के लिए सिंपली दोस्तों क्या करना होगा आपको, पहला जो बॉक्स है यहाँ पर आपको आपका IFSC कोड जो देखते हैं पासबुक के ऊपर IFSC कोड होगा या MICR नंबर वो डाल देंगे। उसके बाद दोबारा से IFSC कोड यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट का नंबर जो है वो डाल देंगे, कन्फर्म बैंक अकाउंट जो है वो डाल देंगे। उसके बाद फिर दोबारा से जो है नाम की स्पेलिंग यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद LPG कनेक्शन किस तरीके का चाहिए, बड़ा सिलेंडर चाहिए या फिर छोटा सिलेंडर, 14.2 किलो का सिलेंडर होता है सिंगल बोतल कनेक्शन, 5 किलो का सिंगल चाहिए या फिर 5 किलो का डबल, तो आप जो है बड़ा ले लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक आधार सेलेक्ट है प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ ऑफ ID में, तो यहाँ पर हमें जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक ही KYC के थ्रू अपलोड हो चुके हैं। और दोस्तों राशन कार्ड बना हुआ है आपका तो यहाँ पर जो है राशन कार्ड जो है वो अपलोड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ फैमिली वाले में आके सबसे पहले जो है कितने फैमिली मेंबर है वो सेलेक्ट करके हम 1, 2, 3 जो भी है वो फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है फैमिली की डिटेल डालनी है, मदर फादर जिस जिस की डिटेल डालेंगे आप वो फिल करना है, नाम डाल देना है फैमिली मेंबर का, आधार नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर इस तरीके से डाल के फिर ऐड मेंबर पे क्लिक कर देना है। एक से ज़्यादा मेंबर को ऐड करना चाहते हैं आप तो ऐड मेंबर्स पे क्लिक कर करके आप जो है 2 से 3 जो है मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का दोस्तों यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके फाइनल सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है KYC के द्वारा। उसका जो है दोस्तों आपके नाम पर जैसे सिलेंडर अप्रूव होता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास से कॉल आती है और उसके बाद जो है आप एक बार डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे, आपके नाम पर सिलेंडर जो है अप्रूव हो जाएगा, फिर आपके घर पर सिलेंडर आ जाएगा।